औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा जैसा इस दुनिया में वक्त तेज़ी से गुजर रहा, वही तेज़ी से इस्लाम फैल रहा दुनिया में। यह नई बात नहीं है, लेकिन मैं 12 साल से मेरे मुसलमान को जगाना इस वास्ते चाहता हूँ कि तेरी पूछ बहुत होगी अल्लाह के पास। सबसे पहले अल्लाह पूछेगा कि तू यूरोप में था, अमेरिका कनाडा में था, मैंने ईसा को पैदा किया, तूने बताया नहीं। बात ही खत्म हो जाती, क्रिश्चियनिटी खत्म हो जाती। और जब ये माइग्रेट हुए मुस्लिम मिडल ईस्ट से, या इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश से, या एशिया से मुस्लिम, उनको ये नहीं पता था कि आदम को अल्लाह ने पैदा किया बिना माँ बाप के, हवा को बिना माँ के, और ईसा को बिना बाप के। ये तीन ही बातों में क्रिश्चियनिटी खत्म थी, जवाल पजीर हो जाती, फॉल डाउन वाली हो बात होती, उनको किक आउट कर दिया जैसा होता यूरोप से, उनका खात्मा, उनका सूरज गुरूब हो गया जैसा होता जैसे ब्रिटिश का सूरज गुरूब हो गया। मगर हमारे पास वो नॉलेज, वो टैलेंट नहीं है, वो इल्म नहीं है। इस वास्ते आज क्रिश्चियन खुद क्रिश्चियनिटी छोड़ के बता रहा कि पीस ऑफ माइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चे पोर्न फिल्में देख देख के अपनी जिंदगियां खराब कर ले रही हैं। सबसे बड़ी वजह, नाइट क्लब जा रहे हैं अडल्ट्री के लिए, बच्चियों को ढूंढ रहे, उन लोग के साथ सो रहे बिना जो है शादी किए, और बच्चे हो रहे तो उनको फेंक दे रहे, एबॉर्शन का राइट मांग रहे हैं, ड्रग्स जो है आदि हो गए, तो जिंदगी उनकी खतरे में पड़ गई। और जो बच्चों को यह बात समझ में आई कि यह वजह क्या है, क्रिश्चियनिटी है बल्कि मालूम हुआ। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, उसके बाद वीडियो बंद कर दूंगा। एक 96 की मस्जिद है थर्ड एवेन्यू पे, इस्लामिक सेंटर, वो आज को अल्हम्दुलिल्लाह 30 साल हो गए ये मस्जिद को बने हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह आप शुरू की जब मैं वहीं था, क्योंकि फिर बाद में इंडिया गया, तो मैं 96 की मस्जिद को 5 वक्त की नमाज को जाने की कोशिश करता था उन दिनों। एक क्रिश्चियन आदमी सिक्योरिटी गार्ड बन के मस्जिद में आया, और मैं उसको हाय हेलो करा तो बोला मैं क्रिश्चियन हूँ बोला, क्योंकि मैं सलाम नहीं किया, मैं समझ गया ये मुसलमान नहीं दिख रहा, गोरा तो नहीं था, काला या स्पेनिश था वो, तो हम क्रिश्चियन बोला। अच्छा बोल के मैं बोला चलो ठीक है, काम करने के लिए आया बेचारा हमारे पास बोल के मस्जिद में। अब हमारे मुसलमानों का अखलाक भी बहुत अच्छा होता, अब जब उसको क्रिश्चियन बोल के मालूम हुआ तो अभी ज़रा ज़्यादा ही हमारे वाले जो है हमारा इस्लाम का पैगाम दो तो सीधे सीधे इन्हें इस्लाम कबूल कर लेता, वैसा भी था। लेकिन असल वजह वो नहीं थी, असल वजह यह थी कि जितने भी हार्लेम के स्पेनिश या काले मस्जिद को आके इस्लाम कबूल कर रहे थे, तो उन्हें मालूम करा कि भाई आप लोग अच्छे खासे मेजॉरिटी दुनिया में क्रिश्चियनिटी की है और तुम क्रिश्चियनिटी छोड़ देने पूछा, तो लोग बताए कि देखो ड्रग्स के आदि हो गए, फोन फिल्मों के आदि हो गए, माँ बाप की कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं, जो है हमारे को जो है कुत्ते से भी बदतर जिंदगी स्पेनिश को और काले को अमरीका में ट्रीट किया जा रहा, इस तरह से हमारे को पीस ऑफ माइंड नहीं है बोले। तो पीस ऑफ माइंड का जो सही मुशाहिदा, वो जो क्रिश्चियन सिक्योरिटी गार्ड जो हमारी मस्जिद में काम कर रहा था, उन्हें मुसलमान हो गए। तो हकीकत मैं आपके सामने अमेरिका की रख रहा हूं कि यहां नेचर होता है इंसान का। इस वास्ते यूरोप में एक वक्त क्रिश्चियनिटी थी, नेचर होता है इंसान का, एक वक्त हिंदुइज्म था इंडिया में, फिर इस्लाम दाखिल हुआ वहां पर। यकीन करो आप, आज इस्लाम अफ्रीका में भी दाखिल हो गया, ऑलरेडी 27 कंट्री थे, मगर अब और जिस तरह से वक्त तेजी से जा रहा, उसी तरह इस्लाम भी तेजी से आ रहा अफ्रीका में, इंडिया में, अमेरिका, कनाडा, यूरोप में। वजह क्या है कि हिंदुइज्म में भी पीस नहीं है, क्योंकि उनको खुद मालूम है वो बच्चे और लोग जो
आइडल वर्शिपर्स के वीडियोज आते, वो देख के उन लोगों के कमेंट देखते और उनको नॉलेज नहीं है जो मालूम होता, उनकी थूथू हंसी उड़ाई जा रही दुनिया में, और वो जो मजहब जैसा नहीं है, एक जो है खाली जोकर सर्कस लाया जैसा है, ये सोच के बेचारे बोल रहे कि हमारी इज्जत जारी, काश के हम हिंदू नहीं रहते, भले वो हिंदुइज्म छोड़ो ना छोड़ो, मगर ये बात का यकीन हो गया उनको कि जो है पीस ऑफ माइंड हिंदुइज्म में भी नहीं है, पीस ऑफ माइंड क्रिश्चियनिटी में नहीं है, और इस्लाम के माने ही पीस ऑफ माइंड है। इस्लाम के माने सबमिट करना, अल्लाह ताला आपको सुकून दे देगा, यह सबसे बड़ा राज है अल्लाह के इस दीन के अंदर, आपको यकीनन सुकून मिल जाएगा। अल्लाह ताला चाहता ये है कि मेरा बंदा दुनिया में भी अल्लाह को पहचान के मरे, इस वास्ते 100% ईमान लेके आप कहता है अल्लाह अकबर।